हेलो गाइस, दिस इज़ विक्रम। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सेटअप लेकर आया हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे सेटअप लेकर ही आता रहता हूँ, लेकिन इस बार सिंगल बेस वाला सेटअप बहुत ही शानदार, दो टॉप साथ में, मज़ा आएगी बजाने की। मतलब आज सेटअप में पावर एम्पलीफायर के साथ एक बेस, दो टॉप, एक मिक्सर, पूरा कॉम्बिनेशन साथ में वायरिंग के साथ 69,000 में, 69,000 रुपए में बहुत ही शानदार सेटअप। इस बार एक बेस, दो टॉप, एम्पलीफायर, मिक्सर, सारी डिटेल वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं। आज के सेटअप में हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉप की। ये सिंगल 15 के टॉप हैं, बहुत अच्छी साइज है। इसमें 450 वाट आरएमएस वाले स्पीकर हैं, 50 वाट की एचएफ है, मिला जुला के हुआ 500 वाट। ये इसके साथ कंबाइन हो गया, ये हुए 1000 वाट, 1000 वाट। 4 ओम्स दोनों का मिला के, क्योंकि ये 8 ओम्स है, ये भी 8 ओम्स है, दोनों पैरेलल कनेक्ट होंगे, तो ये हुआ आपका 4 ओम्स। 4 ओम्स एक चैनल पे चलेगा। इस एम्पलीफायर का आउटपुट पर चैनल आपको मिलता है 1100 वाट। हम लोग लोड लगा रहे हैं 1000 वाट का, साथ ही साथ हम लोग एक बेस कनेक्ट कर रहे हैं। इस एम्पलीफायर का 8 ओम्स का आउटपुट जो है वो 850 दे रखा है। हम लोग इस पे कनेक्ट करेंगे 700 वाट का बेस। 700 वाट का बेस है आरएमएस ऑडियो टोन की तरफ से। बेस ऑडियो टोन का जो 15 इंच के टॉप है उसमें हमने ए प्लस के स्पीकर लगा दिया है। एम्पलीफायर एरॉन्स का है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, एवरीथिंग ब्रांडेड, सब कुछ ब्रांडेड, सब उच्च क्वालिटी, चरम सीमा वाला। चलिए, डायलॉग बहुत अच्छा था। लेकिन इसके साथ एक मिक्सर है जो स्ट्रेंजर कंपनी का है। स्ट्रेंजर का मिक्सर ये मैं इसके पहले वाले वीडियो में रिव्यू कर चुका हूं, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में इसका टेस्टिंग मैं आपको सुनाने वाला हूं। इस पे आप 6 माइक तक लगा सकते हैं, इस पे आप गाने चला सकते हैं, इसको ब्लूटूथ से ऑपरेट कर सकते हैं। इस सेटअप का नाम दिया है हमने पबजी डीजे। जी, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जो डीजे आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। दो सिंगल वाले टॉप हैं और एक बेस है। बेस जो है वो स्कूप वाला है, आप इसमें और भी बहुत सारे मॉडल ले सकते हैं। स्कूप वाला बेस का रिजल्ट काफी अच्छा आता है। ये जिस टाइम पे सेटअप चेक हो रहा था उस टाइम पे हमारा कैमरा नीचे की तरफ रखा हुआ था, तो नीचे से जो बेस फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो सारी कैप्चर हुई है। वन थाउजेंड वॉट्स, 1000 वॉट एट 4 ओम्स, 4 ओम्स ये एम्पलीफायर आपको देगा 1100, यानी कि 1100 वॉट 4 ओम्स पे। हम लोग 1000 वॉट का उस पर लोड चलाने वाले 4 ओम्स पे, बहुत शानदार चलेगा, कोई लोड नहीं, कुछ नहीं। 2 ओम्स पे मैं नहीं बता रहा हूँ,
सिर्फ 4 ओम्स पे बता रहा हूँ और बेस तो मैं आपको 8 ओम्स पे दे रहा हूँ, तो फिर तो बेस भी ऐसी हिलाने वाले आएगी। सबसे अच्छी बात, बेस एक चैनल पे हुआ, चैनल बी पे या ए पे, जिस पे भी, टॉप दूसरे चैनल पे हुए, कोई मिक्सअप होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग रहेगा। जिस चैनल पे बेस लगा रहे हैं उस चैनल के क्रॉसओवर को आप लो फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दीजिए, यानी इसमें क्रॉसओवर इनबिल्ट दे रखा है। एम्पलीफायर के पीछे आप सेटिंग कर सकते हैं, वो सेटिंग मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूं कैसी करनी है। सेटिंग करने के बाद आप बेस को लो फ्रीक्वेंसी पे बजाइए, यानी आपके बेस में बाकी सारी आवाजें नहीं आएगी, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी आएगी। इसको आप लो कट पे बजाइए, लो कट यानी कि आपको सारी आवाजें मिक्स मिलती जाएगी, फुल रेंज पे काम करेगी ये। और एक चैनल पे दो टॉप, एक पे बेस, कॉम्बिनेशन भी परफेक्ट हो जाएगा और साउंड भी बहुत अच्छी आएगी। मिक्सर ऑपरेट करना आप मेरे पुराने वीडियो से सीख सकते हैं, एम्पलीफायर में आपको इस वीडियो में दिखा दे रहा हूं कि कैसे ऑपरेट करते हैं। इसके वॉल्यूम आपको दोनों ना फुल खोलने हैं, और जैसे जैसे मैं टेस्टिंग दिखा रहा हूं ना वैसी ही आपको टेस्टिंग करनी है। चैनल ए से मैंने दो टॉप कनेक्ट कर दिए, चैनल बी से ये बेस कनेक्ट कर दिया। इसके केबल्स भी मैं साथ में दूंगा आपको। मिक्सर से दो केबल आए, एक गया चैनल ए में, चैनल ए का हमने जो क्रॉसओवर है वो लो कट पे रखा हुआ है, इससे आपको फुल रेंज मिलती जाएगी इसकी। और दूसरा जो है बी चैनल को हमने सबवूफर सेटिंग पे रखा हुआ है, यानी बेस पे, तो वो उसमें से सिर्फ बेस निकलेगी। कनेक्शन बड़ा इजी है, वीडियो के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, मैं वीडियो में आपको समझा के दिखा देता हूँ। स्ट्रेंजर का UM6 मॉडल आपको मैं दे रहा हूँ, एरोंस का P7000 मॉडल नंबर वाला एम्पलीफायर मैं आपको दे रहा हूँ, दो A+ के स्पीकर्स दे रहा हूँ, ये एक्चुअली 500 वाट बोले जाते हैं एक एक स्पीकर, लेकिन मैं RMS की बात कर रहा हूँ। ये बेस भी इसका 1000 बोला जाता है, 1000 का बेस बोला जाता है, लेकिन मैं RMS की बात कर रहा हूँ। ये सब कनेक्शंस, वायर्स, सब 69000 में, 69000 रुपये में सब। और इस DJ का नाम तो आप जानते ही हैं, PUBG DJ। अब इसको टेस्ट करते हैं। कुछ इस टाइप से इसका वायरिंग आपको भी मिल जाएगा जो भी लोग इस सेटअप को परचेस करेंगे। एक साइड से एक वायर गया है एक टॉप को, और उसी में से दूसरा वायर गया है दूसरे टॉप को, यानी चैनल 1 पैक हो गया। चैनल 2 से गया है हमारे बेस को वायर, जो कि रेड कलर का आप देख सकते हैं। वैसा ही दो वायर्स आए हैं हमारे मिक्सर से लेके एम्पलीफायर के पीछे लगने के लिए। कैबिनेट पे विकी वैन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये वी शेप्ड कैबिनेट है, इसकी जगह आप स्क्वायर वाला कैबिनेट भी ले सकते हैं। ये एम्पलीफायर एरोंस की ओर से P7000, जो कि अच्छा एम्पलीफायर है, इस पे दो टॉप सिंगल 15 वाले, 500 वाट RMS, 8 ओम्स पे, और उसके बाद एक बेस दूसरे चैनल पे जो कि लगभग 700 वाट्स RMS वाला है ऑडियो टोन की ओर से। टॉप में 500 वाट जो बन रहा है वो A+ की ओर से बन रहा है, A+ का 450 वाट का स्पीकर है इसमें। कैबिनेट में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा हमने वर्क किया हुआ है कैबिनेट पे, जिससे कि इसकी बॉर्डर काफ़ी थिक हो गई है, काफ़ी मजबूत सी कैबिनेट बन गई है। और इतना वेटेड कैबिनेट की ज़रूरत पड़ती है हमें बेस के लिए, क्योंकि ये बेस बचता ही वैसा है। कंप्लीट ग्रिल में तीनों कैबिनेट्स, ओवरऑल एक अच्छा सेटअप एक बहुत अच्छे बजट में। इसमें आप देख सकते हैं केबल्स जो हमने यूज करी हुई है ना, वो काफी अच्छी गेज की है, और इस पे पिंस साउंड बाइट कंपनी की लगी हुई है। ये एम्पलीफायर का क्लोज लुक है, और इसके बाद आपको मैं एक मिक्सर का क्लोज लुक दिखा देता हूँ।
इसमें फैन चलता हुआ देख सकते हैं आप लोग। मिक्सर के क्लोज लुक की बात आपको जैसे मैं सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, ये एरोंस इंडिया की तरफ से एम्पलीफायर। मिक्सर के बाद मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं। आज के वीडियो में इतना ही। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया है। थैंक यू गाइस।